हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंट्राडे स्टॉक्स कल के लिए, यानी कि 5 मई के लिए इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों बताऊँ। गाइस, अगर हम बात करें अपने कल के स्टॉक्स के बारे में, तो कल के स्टॉक्स में जो हमने आपको दिए थे, 3 सेल के दिए थे, 2 बाय के दिए थे। तो 3 सेल के तो हमने देखा बहुत अच्छे से गए और बाय के भी नीचे ही गए अप्रोक्सीमेटली। तो हमने देखा कि मार्केट इतनी नीचे थी कि सारे ज्यादातर स्टॉक्स 10-10% नीचे जाके क्लोजिंग करने में आपको कामयाब होते हुए देखने को मिले। अब मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आ गई है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो गाइस उसकी ये वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो ये वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के, और आपको यहाँ ऊपर आई पे भी मिल जाएगा, या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको यहाँ पर भी वीडियो ये शो कर जाएगी। जाके जरूर देखिए निफ्टी में आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है। गाइस, दूसरी वीडियो एक और मैं अपलोड कर चुका हूँ, देख सकते हैं कि जैसे कि मई की एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है, मई का महीना स्टार्ट हो गया, तो मई के महीने में कौन से 3 स्टॉक्स आप बाय करके चल सकते हैं जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, तो उसकी भी वीडियो अपलोड कर दिए। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, तो जाके इन दोनों वीडियो को आप क्लोजली वॉच कर सकते हैं। तो गाइस, इसी के साथ जो मैंने ये वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल, वोल्टास, अंबुजा सीमेंट, बाइंट्री और इंडिको के बारे में। तो इनमें से 3 बाय हैं, 2 सेल हैं, जो आप कल के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इतनी बड़ी जो फॉल आई है, इस फॉल के बाद अब हमें थोड़े बाय और सेल दोनों के ट्रेड लेने चाहिए, तो क्योंकि मार्केट थोड़ी रिकवरी कर सकती है, थोड़ा रिट्रेसमेंट ले सकती है, उसके बाद दोबारा शायद एक फॉल कर सकती है। तो एक किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड करना है उसकी वीडियो बना चुका हूँ, तो जरूर देख सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक भारतीय एयरटेल, क्लोजिंग जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है 532 की देखने को मिल रहा है। तो गाइस, जो मैंने ये स्टॉक की वीडियो बना रखी थी 3 स्टॉक मई 2020, इसमें मैंने भारतीय एयरटेल भी रखा था और मैंने आपको बोला था 495 से लेके 505 रुपए तक का के बीच में, ये 10 रुपए की रेंज में बाय बना सकते हो। तो आज का जो इसका लो है वो 498 का है। तो गाइस, अगर आपने 500 रुपए में भी या 505 रुपए में भी इसे बाय करा होता, तो इसकी क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं कि 530 रुपए की है, और मेरा टारगेट गाइस 560 रुपए का है। तो गाइस, अभी भी मैं इसमें बाय की सलाह दे रहा हूँ। 535 के ऊपर निकलता है कल, 4541, 548 तक के टारगेट्स हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारतीय एयरटेल दिखा सकता है, और टॉप गेनर भी रहा है निफ्टी के अंदर ही। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 529 का। वोल्टास शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी, 465 के नीचे शॉर्ट करिए, 461, 457 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 469 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अंबुजा सीमेंट शॉर्ट करनी है, 160.5, 158 तक का टारगेट है। गाइस, एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, चैनल का ब्रेकडाउन दे दिया था, फिर उसने एक रिकवरी करी, चैनल के बॉटम ट्रेंड लाइन पे सब रेजिस्टेंस फेस करा और दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि ये जो इसका ब्रेकडाउन हुआ है, जो यानी कि जो अपने हायर हाइज बना रहा था, अब उसका रिवर्स होके अब ये हायर लोज बना रहा है। सो गाइस, उसके हिसाब से हमें काम करना है, तो अब इसको शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 166.5 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। माइंट्री पर्टिकुलर अपने ये, अगर हम इसके हाई और लो का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं, तो गाइस जिस तरीके से हमने देखा कि इसमें 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि अराउंड 898.90 या 8900 के आसपास आता है, 890 से 900 के आसपास इसका सपोर्ट आता है। तो 904 पे काम कर रहा है, 907 के ऊपर निकलता है, 914, 921 तक के टारगेट्स माइंट्री भी एक्सपेक्ट कर सकता है, 898 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इंडिको बाय करने की सलाह दी जाएगी, आपको इंडिको में अभी भी गिरावट दिख रही होगी, पर इंट्राडे में बहुत अच्छी रिकवरी आई है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 928 की क्लोजिंग है, 930 के ऊपर बाय करिए, 936, 951 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 914 का स्टॉप लॉस आपको इंडिगो में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो गाइस, ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को देख सकते हैं, कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं हमारी, तो यहाँ पर आपको वीडियो में भी ऑप्शन दिखता है सब्सक्राइब का, इसे क्लिक करके यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे गाइस,
वैसे ही आपको यहाँ पर बेल आइकन शो करेगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, वो भी इम्पोर्टेंट चीज है। तो जैसे ही मेरी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी, जब भी मैं कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा, आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, या अगर नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में क्या चेंजेस कर सकता हूँ, या कोई अगर आपके पास तो आपके डाउट है, अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्टॉक होल्ड कर रखा है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।